खबर कन्नौज से है, जहां प्रमोट होकर हरदोई जा रहे सीएमएस की संविदा कर्मियों ने गाड़ी रोक दी है। स्थायी नियुक्ति के नाम पर 10 नर्सों व वार्ड बायो से लाखों रुपए की घूस लेने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने हंगामा किया। सीएमएस राजेश तिवारी पर उनके खास अभिषेक के जरिए लाखों रुपए घूस लेने का आरोप लगाया गया है। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर सीएमएस व अभिषेक हरदोई के लिए हुए रवाना। आपको बता दें कि प्रोन्नत होकर सीएमएस राजेश हरदोई के सीएमओ बने हैं। पूरी घटना छिबरामो स्थित 100 सैया अस्पताल का बताया जाता है। हमने गाड़ी खोला यार।